दोस्तों आईपीएल 2023 के लिए आईपीएल की सभी 10 टीमें अपने अपने स्क्वाड में एक से बढ़कर एक विस्फोटक ओपनर्स को टारगेट करना चाहेगी, तो आज के इस वीडियो में हम आपको आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के नए ओपनिंग पेयर की फाइनल लिस्ट बताएंगे, यानी कि सभी 10 टीमों की तरफ से कौन कौन से बल्लेबाज ओपन करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जोड़ करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल 2023 में पार्टिसिपेट करने वाली सभी 10 टीमों के नए ओपनिंग पेयर की फाइनल लिस्ट बता देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी टीम है श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, और ये टीम आईपीएल 2023 में अपने सलामी बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बदल देगी, जहां पर ये टीम ऑक्शन में सबसे पहले क्रिस लिन को खरीदना चाहेगी जो कि T20 ब्लास्ट में काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, और इनके पार्टनर के तौर पर एलेक्स हेल्स या फिर वेंकटेश अय्यर आईपीएल 2023 में केकेआर की टीम की तरफ से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी टीम है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, और इस टीम के पास पहले से अभिषेक शर्मा के रूप में एक बेहतरीन इंडियन ओपनर मौजूद है, तो ये टीम ऑक्शन में जेसन रॉय को टारगेट करना चाहेगी क्योंकि केन विलियमसन ने ओपनिंग में बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं की है। तो इस वजह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम जेसन रॉय को परचेज करके अपने नए ओपनिंग पेयर में अभिषेक शर्मा और जेसन रॉय को आईपीएल 2023 में एज ए ओपनर इस्तेमाल कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी टीम है 5 बार की चैंपियन और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, और मुंबई इंडियंस को अपने ओपनिंग पेयर में बिल्कुल भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये टीम रोहित शर्मा और ईशान किशन के ओपनिंग पेयर के साथ ही आईपीएल 2023 में जाएगी। हालांकि अगर मुंबई की टीम ईशान किशन को रिलीज करती है तो ये टीम वापस से ईशान किशन को रीबाई करने का प्रयास करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी टीम है पंजाब किंग्स की टीम, और पंजाब किंग्स के पास पहले से शिखर धवन के रूप में एक फिक्स ओपनर मौजूद है, तो ये टीम आईपीएल 2023 के ऑक्शन में एलेक्स हेल्स को परचेज करके शिखर धवन का ओपनिंग पार्टनर बना सकती है, या फिर लियाम लिविंगस्टन भी पंजाब की टीम की तरफ से ओपन कर सकते हैं क्योंकि लिविंगस्टन कई दफा T20 क्रिकेट में ओपनिंग बल्लेबाजी कर चुके हैं। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी टीम है एमएस धोनी की कप्तानी वाली यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का ओपनिंग पेयर बिल्कुल फिक्स है, जहां पर इस टीम के लिए ऋतुराज गायकवाड और डेवोन कॉनवे शुरुआत के मैचों में ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, यानी कि चेन्नई की टीम आईपीएल 2023 के ऑक्शन में किसी अदर ओपनिंग बल्लेबाजों को टारगेट नहीं करेगी क्योंकि इस टीम के पास पहले से एक दो ओपनर्स और मौजूद है। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी टीम है इस साल की गत विजेता यानी कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम, और गुजरात टाइटंस की टीम भी अपने ओपनिंग पेयर में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी, और आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस की तरफ से शुभमन गिल और रिधिमान शाह ओपन करते हुए नजर आएंगे, और इन दोनों ओपनर्स के साथ ही गुजरात की टीम अगले साल भी कंटिन्यू करेगी क्योंकि गुजरात का ओपनिंग पेयर काफी ज्यादा बेहतरीन है। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम, और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास पहले से फाफडू प्लेसिस के रूप में एक बेहतरीन ओपनर मौजूद है, तो ये टीम ऑक्शन में क्रिस गेल को परचेज करके प्लेसिस का ओपनिंग पार्टनर बना सकती है, या फिर विराट कोहली ही फाफडू प्लेसिस के साथ ओपन करते हुए नजर आ सकते है। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी टीम है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली यानी की दिल्ली कैपिटल्स की टीम, और दिल्ली कैपिटल्स का ओपनिंग पेयर भी बिल्कुल फिक्स है, जहां पर आईपीएल 2023 में दिल्ली कैपिटल्स की टीम की तरफ से डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, और ये टीम अपने ओपनर्स के डिपार्टमेंट में बिल्कुल भी बदलाव नहीं करेगी। इसके बाद इस लिस्ट की नौवीं बड़ी टीम है केएल राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जायंट की टीम, और लखनऊ सुपर जायंट के पास सबसे बेहतरीन सलामी बल्लेबाज मौजूद है, जहां पर आईपीएल 2023 में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक लखनऊ सुपर जायंट की टीम की तरफ से ओपन करेंगे, और
और ये टीम ऑक्शन में किसी अदर ओपनर्स को टारगेट नहीं करेगी क्योंकि बैकअप के तौर पर इस टीम के पास पहले से एवन लुइस मौजूद है। इसके बाद इस लिस्ट की आखिरी बड़ी टीम है संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम, और राजस्थान रॉयल्स की टीम भी ऑक्शन में किसी अदर ओपनर्स को टारगेट नहीं करेगी क्योंकि इस टीम के पास पहले से जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के रूप में तीन बेहतरीन ओपनर मौजूद है, और अगर ये टीम पड्डीकल को रिलीज नहीं करती है तो इस टीम के पास टोटल चार ओपनर्स हो जाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान रॉयल्स का ओपनिंग पेयर आईपीएल 2023 में बिल्कुल सेम होगा। तो यही था आईपीएल 2023 के लिए सभी 10 टीमों के नए ओपनर्स की फाइनल लिस्ट। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।